मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, सारे के नोटिफिकेशन बेल के बटन दबाएं और करें ताकि जो आने वाले वीडियो से आप उनको मिस ना कर सकें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पाकिस्तान, सऊदी अरब में खुलम खुला सरेआम गलत काम करने की और शर्मनाक काम करने की इजाजत मिल चुकी है। खबर क्या है, खबर की तफसीलात क्या है, इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल करें सब्सक्राइब, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के बटन दबाएं ऑल करें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। एक खबर गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरब में हरम पाक में और जो इस्लामी मुकदस जगह है वहां पर सेल्फी की पाबंदी लगा दी गई है। उस खबर को देखकर हम सारे खुश हुए कि जो अरब है उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, इस्लामी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए ये एक अच्छा काम किया है कि अब सेल्फी पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन दूसरी जानब जो कि सऊदी अरब के वली है, सलमान बिन मोहम्मद है, वो जो है वो ओपन माइंडेड है। अरब अयाश तो है ही, उनकी अयाशियां किसी से ढकी छुपी नहीं है, उनके जो लग्जरी लाइफ है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो क्या करते हैं और वो क्या कर रहे हैं, अरब को उन्होंने तबाही के दहाने के ऊपर लाकर छोड़ दिया है। अब जो नया कानून बना, सबसे पहले मैंने बकायदा तौर पर न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो वैलेंटाइन डे है वहां पर वैलेंटाइन डे भी मनाया गया, और अब जो नया कानून बना दिया गया है उसके बाद आप शर्मनाक काम करें, यानी कि वहां पर औरतें और मर्द जो हैं वो एक ही मेज के ऊपर बैठे हुए हैं और वहां पर बैठकर वो आपस में ताश खेल रहे हैं, ताश खेले जा रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। मैं यहां पर इस वजह से नहीं लगा रहा क्योंकि वहां पर औरतों के मुंह नंगे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन औरतों के जो मुनंगे हैं वो आप, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर भलाई फैलाना है, ना कि उन औरतों को एक्सपोज करना है, क्योंकि मुझे औरतों से कोई जाती तौर पर कोई दुश्मनी या कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। वहां पर औरतें और मर्द बैठे सरेआम ताश खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं और अब ये अलाउड है। पहले वहां पर औरत और मर्द एक दूसरे को नहीं दे सकते थे, इसके अलावा साथ बैठ नहीं सकते थे, फौरन जो है सरगर्म कर दिए जाते थे। अब वहां पर जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं वो बकायदा तौर पर वहां पर लड़कियां जीन्स के पैंट्स पहनकर, शर्ट्स पहनकर और मगरबी लिबास पहनकर सऊदी अरब के जो सड़क हैं, जो उनके रोड्स हैं, जो उनकी गलियां हैं, जो कि मुकद्दस गलियां हैं, जो के मुकद्दस रोड्स हैं जहां पर हज़रत सल्लम ने पांव रखे और अपनी तालीमात दी और बताया कि औरतों के लिए उन्होंने एक जगह मुकर्रर कर दी और कहा कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए। लेकिन वहां पर जो ये नए हुक्मरान बैठे हैं जिन्होंने अरबों को तबाही के दहाने पर लाकर छोड़ना है, ये जो लोग हैं इन्होंने वहां पर बेहयाई फैला दी है। वहां पर नाइट क्लब बन रहे हैं, वहां पर बीचेस खोली जा रही हैं, वहां पर औरत और मर्द के दरमियान ये जो तफरीक है वहां पर ये खत्म होने जा रही है। अरब तबाही की तरफ बढ़ रहा है। देखें, हमारे जो अल्लाह है, अल्लाह ने हमें जो वादा किया है कि मैं अरब की खुद हिफाजत कर रहा हूं, मुझे अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा है और मुझे यकीन है कि अल्लाह ये काम नहीं होने देंगे, क्योंकि अल्लाह ने अरब को बचाने का जिम्मा खुद लिया हुआ है। और अरब में ये जो चीज फैल रही है, देखें, अल्लाह इंसान को डील देता है, अल्लाह इंसान को आजमाता है और अल्लाह जो है वो गफूर रहीम भी है, वो जब्बार भी है, वो कहार भी है। यहाँ पर ये जो अरब ने ये जो नए कानून और जो नई चीजें फेमिनिज्म के ऊपर ये जो बिलीव कर रहे हैं, ये जो आज के बादशाह, ये जो नए वलीयत और जो हुकूमत चल रही है, ये जो इन चीजों के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, देखें अल्लाह की पकड़ बड़ी ही सख्त है और अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाब आवाज है। अगर अल्लाह ने
अरबों के ऊपर कोई बड़ा अजाब नाजिल कर दिया तो फिर ये अपने हाथ मलते रह जाएंगे। और अल्लाह का अजाब बहुत करीब है, अल्लाह इंसान को बहुत जल्द अजाब देता है और उसी टाइम ही देता है, क्योंकि दुनिया मफ़क़ाते अमल है। यहाँ पर जो कुछ अरबों ने किया उसको मेरा दिल दुख किया है, क्योंकि मैं इस चीज़ का सबर नहीं कर सकता था कि मदीने की पाक गलियों में अब ऐसा भी काम होगा। वीडियो पसंद आने सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन अरबों को और ये जो बादशाह हैं जिनके आंखों के आगे चर्बी आई हुई है, अल्लाह इनको अदाए नसीब करे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।